राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। और ये पंक्तियां जो मैं गाने जा रहा हूँ, इसमें जो शिक्षा है, जो संदेश है, उसे जो अपने जीवन में उतार ले तो उसका कल्याण निश्चित है। क्योंकि भजन का अर्थ ये नहीं है कि केवल भगवान का नाम गाना उसमें बताया जाए। भजन में ये बताना है कि हम अपने जीवन को कैसे और सुंदर बना सकते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर बात कही। जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए, जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए, जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए। तो यदि हम अपने जीवन में अभिमान के लिए कोई स्थान रखेंगे तो फिर भगवान के लिए कोई स्थान बचेगा नहीं वहां। जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए, जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले, अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते ईश्वर को बुलाना हो तो उनका पूरा नाम नहीं लेना पड़ता, बस याद कर लीजिए वो आ जाते हैं, स्मरण मात्र से आ जाते हैं। ये तो हमारे आपके बीच है कि किसी को बुलाना हो तो उसका पूरा नाम लेके बुलाना पड़ता है, नहीं तो कोई और आ जाता है। लेकिन भगवान को बुलाना हो तो बस याद कर लीजिए बहुत है। आधे नाम पे आ जाते वो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई शबरी झूठे बेर खिला के देख ले, कोई शबरी झूठे बेर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आइए सब मिलकर प्रभु नाम का उच्चारण अपनी जिभ्या से करें, अपने स्वर में करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम।